जिस प्रकार पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा आज पूरे देश में अत्यधिक प्रचलित हो चुकी है, उसी प्रकार महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाई जाने वाली गणेश चतुर्थी का उत्सव भी पूरे देश में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का ये उत्सव लगभग 10 दिनों तक चलता है, इसीलिए इसे गणेश उत्सव भी कहा जाता है। प्रत्येक चंद्र महीने में दो चतुर्थी तिथि होती है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश से संबंधित होती है। शुक्ल पक्ष के दौरान अमावस्या के बाद की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के रूप में जाना जाता है और कृष्ण पक्ष के दौरान पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। भाद्रपद के दौरान विनायक चतुर्थी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी को हर साल पूरे भारत में भगवान गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले एक ईशान कोण में स्वच्छ जगह पर रंगोली डाली जाती है, जिसे चौक पूर्णा कहते हैं। उसके ऊपर पाटा अथवा चौकी रखकर उस पर लाल अथवा पीला कपड़ा बिछाते हैं। उस कपड़े पर केले के पत्ते को रखकर उस पर मूर्ति की स्थापना की जाती है। इसके साथ एक पान पर सवा रुपया रख पूजा की सुपारी रखी जाती है। कलश भी रखा जाता है। कलश के मुख पर लाल धागा या मूली बांधी जाती है। यह कलश पूरे 10 दिन तक ऐसे ही रखा जाता है। स्थापना वाले दिन सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है। जल, कुमकुम, चावल चढ़ाकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कलश के बाद गणेश देवता की पूजा की जाती है। उन्हें भी जल चढ़ाकर वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर कुमकुम एवं चावल चढ़ाकर पुष्प समर्पित किए जाते हैं। गणेश जी को मुख्य रूप से दुर्वा चढ़ाई जाती है। इसके बाद भोग लगाया जाता है। गणेश जी को मोदक सबसे प्रिय है। इसके बाद परिवार के साथ आरती की जाती है और प्रसाद वितरित किया जाता है। गणेश जी की उपासना में गणेश अथर्वशीर्ष का बहुत अधिक महत्व है। इसे रोजाना पढ़ा जाता है, इससे बुद्धि का विकास होता है। यह मुख्य रूप से एक शांति पाठ है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।